आज मैं आपको चोको ड्रिंक की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट की है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपूर्वा किचन सीक्रेट। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। चोको ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया ये फुल फैट दूध, और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, दूध को बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। जब भी आप दूध को रिड्यूस करते हैं तो हमेशा आपको इस तरीके के मोटे बर्तन यूज़ करने हैं, इससे क्या होगा कि जो दूध है वो चिपकेगा नहीं बर्तन में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो उबल चुका है, और मैं इसको एक बार मिला लूँगी कि दूध बर्तन में ना चिपके, और गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर लो कर दूँगी। यहाँ पर हमें दूध को रिड्यूस करना है, हमको ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, हल्का सा रिड्यूस करना है। तो इसको लो फ्लेम पे हम इसको मिलाते रहेंगे। अगर किसी ने पेड़ा की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। अभी यहाँ पे जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है पहले से, और हम इसको मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा था, तो हमें इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं करना है दूध को, इतना हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर को हम दूध में मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ये दूध लिया है वो ठंडा दूध लिया है, आपको ध्यान रखना है कि गर्म दूध यूज़ नहीं करना है। आप जब भी कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिलाते हैं तो हमेशा ठंडा ही दूध यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर एक एक चम्मच करके दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला दूंगी, और लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। कस्टर्ड पाउडर से क्या होगा, अच्छा टेस्ट आएगा दूध में, और मिल्क ठीक हो जाएगा कस्टर्ड पाउडर डालने से। तो आप देख सकते हो मैंने बाकी सारा कस्टर्ड पाउडर भी मिल्क में अच्छे तरीके से मिला लिया है, और लम्स नहीं है इसमें। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा था, और एक बार दूध को हम मिला लेंगे, आप देख सकते हैं कि रिड्यूस हो गया है। और अब इसमें कस्टर्ड मिल्क मिला लेंगे। कस्टर्ड मिल्क मिलाने से क्या होता है, दूध में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो टेस्टी लगता है और गाढ़ा भी हो जाता है, इसके लिए हम इसमें कस्टर्ड मिल्क मिला रहे हैं। जब भी आप कस्टर्ड पाउडर दूध में डालते हैं, दूध हमेशा ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये कोको पाउडर। कोको पाउडर से क्या होता है कि इसमें दूध में चॉकलेट का फ्लेवर आता है, और ये वही कोको पाउडर है जो कि हम केक बनाने में यूज करते हैं। कोको पाउडर मैंने डाल दिया है दूध में, और इसे मैं कंटिन्यू हाई फ्लेम पे मिलाती रहूंगी। दूध में लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम कोको पाउडर इसलिए डाल रहे हैं दूध में, इससे क्या होता है बहुत ही चॉकलेट सा फ्लेवर आता है, और ये चोको ड्रिंक पीने में बहुत अच्छा लगता है। सो मैं इसे यहाँ कंटिन्यू मिला रही हूँ, आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से मिल गया है। और गैस का फ्लेम हाई है, तो आपको ध्यान रखना है कि दूध चिपकना नहीं चाहिए, दूध को हमें और ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है। यहाँ पे मैं डालूंगी चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट कंपलसरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोको ड्रिंक में। और यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे चॉकलेट को अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। यहाँ पे हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, इसलिए हमें इतना इसे रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम जो है लो कर दूंगी, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा और रिड्यूस नहीं करना, हमें यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो आप देख रहे हो कि ये पहले से काफ़ी जो है थिक हो गया है, और इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। मैं इसे कंटिन्यू मिला रही हूँ, अभी भी चॉकलेट मेल्ट होना बाकी है, तो मैं इसे लो फ्लेम पर मिला लूँगी। अभी आप देख सकते हो कि पहले से इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो गया है, और इतना काफ़ी है हमारे लिए। आपको यहाँ पे कुछ टिप्स फॉलो करने हैं जिससे चोको ड्रिंक बहुत टेस्टी लगेगा। सबसे पहला टिप ये है कि आपको हमेशा फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ करना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यम्मी लगता है चोको ड्रिंक। दूसरी टिप ये है कि आप हमेशा मोटा बर्तन यूज़ करें दूध को बॉयल करने के लिए। अगर आपने पतला बर्तन यूज़ किया तो उससे क्या होगा, जो दूध है वो बर्तन में चिपक जाएगा, और आपका जो चोको ड्रिंक है वो नहीं बन पाएगा। थर्ड टिप ये है कि आप हमेशा फुल फैट क्रीम मिल्क ही यूज़ करें। चोको ड्रिंक अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था, अभी मैंने इसको क्या किया है, ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था, और इसको मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है, और आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा और बहुत ही गाढ़ा जो है उसका टेक्सचर हो गया। तो मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप अच्छा लगता है, डेकोरेशन के पर्पज़ से अच्छा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चोको ड्रिंक। चोको ड्रिंक का आपका जो टेक्सचर है वो इस तरीके का होना चाहिए, आपको ज़्यादा थिक नहीं करना है, और ज़्यादा आपको वाटरी नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि मैं इसको ग्लास में डाल रही हूँ, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको
फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको ड्रिंक कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगी कि इसमें मैंने ड्रिंक डाल दी है और अब मैं यहाँ पे डालूंगी काजू। काजू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद का डाल सकते हो। तो मैं इसको ग्लास में डाल दूंगी डेकोरेशन के पर्पज से, ये अच्छा भी लगता है तो आप ये जरूर ट्राई करना। चोको ड्रिंक में काजू जरूर डालिएगा, उससे क्या होता है बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये डार्क चॉकलेट जिसको कि मैंने बारीक कर लिया था, आप इसको जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और प्रेजेंटेशन के पर्पज से भी ये बहुत अच्छा है। तो मैं इसको क्या करूँगी, पूरा चोको ड्रिंक के ऊपर इसको चारों तरफ से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी, बहुत अच्छा लगता है, यम्मी लगता है ये डार्क चॉकलेट। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप नॉर्मल भी चॉकलेट इस पर उसके ऊपर डाल सकते हो। उसके बाद मैं डालूंगी अब मेन इंग्रेडिएंट्स जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो है रबड़ी। रबड़ी जो है ये मैंने घर पे बनाई है, आप इसको इसके ऊपर जरूर डालिएगा इस चोको ड्रिंक के ऊपर। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी इसके ऊपर डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, यम्मी लगता है। आप इसके ऊपर रबड़ी जो है वो जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है जो पेड़े की मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हो। सो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।